विधान परिषद की सन्मानीय उपसभापति नीलम तय गोरे हमारे अपने सांसद कृपाल जी तुमाने इस नव भारत परिवार के सबसे ज्येष्ठ ऐसे आदरणीय विनोद बाबू माहेश्वरी जी निमिष बाबू और नवभारत परिवार के सभी परिवारजन अभी अभी जिनका सम्मान हमने किया जिन्होंने पूरे देश में और विदेश में भी नागपुर का नाम रोशन किया ऐसे सारे ये नागपुर के सम्माननीय परिवार आज के पुरस्कार थी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों हमारे मिनिस्टर लोढ़ा जी भी यहाँ पधारे हैं मैं उनको भी निवेदन करता हूँ कि मंच पर हमारे साथ आकर जुड़े हम सभी के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है कि नव भारत नब्बे साल पूरा करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ रहा है और मध्य भारत का एक प्रमुख दैनिक होते होते आज जिस प्रकार से नवभारत ने अपने पाठकों में एक अपने प्रति प्रेम का भाव स्नेह का भाव तैयार किया है और पाठकों की सारी रुचियों को पहचानते हुए समय के साथ नवभारत ने जो परिवर्तन किया है और सबसे महत्व की बात यह है कि इस परिवर्तन को करते हुए जो मूल विचार नवभारत का था उसमें कोई भी बदलाव नवभारत ने कभी आने नहीं दिया इसीलिए एक बहुत ही प्रमुख दैनिक के रूप में नवभारत निरंतर बढ़ता रहा है नवभारत की तुलना में नवराष्ट्र वैसे बहुत युवा है लेकिन नवराष्ट्र ने भी हमारे मराठी पाठकों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग विषयों को उठाकर और उन विषयों के माध्यम से पाठकों में एक अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है और मुझे खुशी है कि हमारा नागपुर से पहले निकलने वाला अखबार मध्य भारत का एक प्रमुख अखबार भी है और उतनी ही ताकत से मुंबई हो मराठवाड़ा हो पुना हो क्योंकि नागपुर तो वैसे हिंदी भाषियों का एक गढ़ माना जाता है और यहाँ पर सारे मराठी लोग हिंदी बोलते हैं और सारे हिंदी लोग मराठी बोलते हैं लेकिन पुणे जैसी जगह भी नवभारत ने बहुत अच्छा एक अपना वजूद तैयार किया मुंबई में तो किया ही किया है और इसलिए हम सभी को नवभारत जैसे इस अखबार पर बहुत फक्र है और आज के इस 90 साल पूरे करने के अवसर पर नागपुर के उन परिवारों का सत्कार और स्वागत यहाँ पर हुआ है जिन्होंने सही मायने में नागपुर की शान बढ़ाई है और मैं विनोद बाबू आपका बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि आपने ऐसे लोगों को चुना कि जिनका सत्कार करते हुए हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि इन लोगों ने जो अपने अपने क्षेत्र में काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी तक एक जैसे नवभारत की भी चौथी पीढ़ी अभी काम कर रही रही है वैसे इनकी भी चौथी चौथी पीढ़ियां आज लगातार ये काम करते हुए हमको दिखाई पड़ती है तो मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इसी प्रकार से मैंने पिछले साल ही कहा था कि जब नव भारत शतक पूरा करेगा उस समय विनोद बाबू के नेतृत्व में हम सब उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और जोरदार कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है अब उसका इंतजार हम लोग सब मिलकर करेंगे इतना ही आज के मौके पर कहता हूँ और हर साल आप हमें निमंत्रित करते हैं। और फिर से नव भारत के साथ और आपके साथ मिलने का मौका देते हैं इसलिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद जय हिंद